आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी। और साहब का सुबह पेपर है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें बताया आपके लिए अत्र्योत्तरी प्रश्न, उसके बाद लघुत्तरी, और लघुत्तरी बाद में आएगा आपका दीर्घोत्तरी। तो इसी प्रकार से आपका प्रश्न होगा, यानी प्रश्न पत्र होगा, और प्रश्न पत्र आपका जो बटा होगा वो तीन पार्ट में होगा। जो आपके बेरी शॉर्ट हैं वो आपके होंगे सेक्शन ए, इसमें से आपको पांच प्रश्न करने हैं, और पांचों प्रश्न जो होते हैं वो तीन नंबर के होंगे, इसलिए आपके हो गए ये 15 नंबर। ठीक है, तो पांच प्रश्न करने हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला है, भौतिक भूलका जनक किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस काल को भौतिक भूगोल का स्वर्णिम युग कहा जाता है? इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा स्वेस के अनुसार, ठीक है, ये क्या है, ये मतलब ज्योग्राफी के वो हैं शास्त्री। तो स्वेस के अनुसार पृथ्वी की तीन परतें कौन कौन सी होती हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। आकाशगंगा क्या होती है, यानी आपकी पृथ्वी के सागर में है, ठीक है, मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ठीक है, फिर आपका है क्षोभ मंडल, ठीक है, सौर मंडल से आपका क्या अभिप्राय है, यानी सौर मंडल किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा सूर्य के परिवार को भी हम सौर मंडल कहते हैं। डेली के अनुसार, ठीक है, डेली के अनुसार पृथ्वी की तीन परतें कौन कौन सी हैं, सभी ने अलग अलग बताई हैं, आप बताएंगे इसका आंसर। आपको 75 शब्द में देना है। भौतिक भूगोल की परिभाषा दीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आपका आता है, भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम बताइए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी आपके। अब हम शुरू करते हैं आपका सेकेंड पेज। अगला क्वेश्चन हमारा है इसी में, होम्स ने महाद्वीपों की विस्थापन के लिए किस प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो ये हैं, होम्स ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया ये बताना है आपको। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। संयोजन पर आधारित दो सिद्धांतों तथा अनेक प्रतिपादकों के नाम लिखिए, ठीक है, यानी कि उनके प्रतिपादकों के नाम, अनेक नहीं, उनके जिन्होंने सिद्धांत बनाए हैं। गुरुत्वीय विसंगति से क्या समझते हैं आप, या इससे क्या अभिप्राय है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। अरे होफोर्ड था धोबी के अनुसार क्षतिपूर्ति तल की गहराई क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, यानी जो आग निकलती है पृथ्वी से उसी को ज्वालामुखी कहते हैं, कहाँ कहाँ फैले ये हैं और कहाँ सबसे पाए जाते हैं ये बता देना है आपको। फिर है, भूकंप मूल केंद्र किसे कहते हैं? भूकंप का जो मूल केंद्र होता है क्या कहलाता है? जहाँ से भूकंप बनता है वही उसका मूल केंद्र कहलाता है। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे किसने किया, उसका नाम आपको देना है। फिर है, मॉर्गन के अनुसार मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी होती है? किन्हीं दो प्लेटों के नाम लगाइए बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपका, अंगारा लैंड में कौन कौन से भूखंड सम्मिलित थे? ठीक है, तो अंगारा लैंड में सबसे अधिक गर्मी कहाँ कहाँ पाई जाती है? फिर आपका क्वेश्चन है, भूसंतति क्या है? आइए देखते हैं इसके आगे और क्वेश्चन। सैल क्या, यानी कि चट्टान क्या है? वेरी मोस्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सैल चट्टान किसे कहते हैं? जिसमें अग्नि चट्टानें होती हैं, रूपांतर चट्टानें होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तार किन चट्टानों का पाया जाता है? इसे आप पढ़ लीजिएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। भ्रंश ककार क्या कहलाता है? भ्रंश घाटी है, क्या होती है, इसे आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, मृदा परिच्छेदिका से आप क्या समझते हो ये बताइए। चट्टान को प्रकार लिखिए जिसमें रूपांतर चट्टान हैं, अग्र चट्टान हैं, ठीक है, और मोड़ा चट्टान है। जलोढ़ पंख व जलोढ़ शंकु से आप में क्या अंतर है, इन दोनों में बताना है। फिर नदी विसर्ग से आप क्या समझते हैं? नदी जो विसर्ग बनाती है, मोड़े बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं, क्यों बनती हैं मोड़े, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर इंच वर्ग क्या होता है, इसको बताना है। फिर फ्योर्ड
तट कहाँ पाए जाते हैं, ये तट के नाम हैं ये आपको बताने हैं। फिर अगला है ओजोन मंडल का महत्व बताइए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ओजोन मंडल का महत्व क्या है, ओजोन मंडल हमें परावर्तनीय किरणों से बचाती है, इसलिए इसका महत्व बहुत महत्वपूर्ण पड़ता है ये। फिर आपका है वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, इसकी आपको व्याख्या करनी है, मतलब 50 शब्दों में बताना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें लगभग 45-46 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, मतलब उत्तरी जो इसी में से आपको मिल जाएंगे। और इंग्लिश का पेपर मैंने बताया था वो पेपर का प्रारूप था हल करने का, ठीक है, कुछ आप लोगों ने कहा कि वो आया नहीं, लेकिन आप क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन उसी में से आए हैं, लेकिन जो कल हमने वीडियो अपलोड किया था वो केवल पेपर को समझने का था कि कैसे हमें पेपर हल करना है, वो था उसमें, ठीक है। तो आप इसकी क्वेश्चन के अगला शुरू करते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा कि आयन मंडल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम लिखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर आपका वायुमंडल से आप क्या आशा है, वायुमंडल से क्या समझते हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। सूर्य ताप को परिभाषित कीजिए, यानी कि सूर्य ताप या सूर्य गर्मी को परिभाषित करना है। क्षोभ मंडल की संक्षिप्त में आपको व्याख्या करनी है, यानी कि 50 शब्दों में। फिर भूवार्था के अनुसार वायुमंडल की राशियाँ वायु राशियाँ क्या हैं, ठीक है। फिर चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम केवल संख्या लिख देनी है, नाम बता देने हैं। संघनन क्रिया क्या होती है, फिर हरिकेन क्या है, हरिकेन भी एक जगह। अगला क्वेश्चन है जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा है, इस तरीके से आपको बताना है। फिर है डार्विन का कौन सा सिद्धांत प्रवाल वृत्ति के रूप में काम करता है या प्रवाल वृत्ति की व्याख्या करता है, तो प्रवाल वृत्ति को किसमें कहते हैं, कोरल रीफ, और ये पाई जाती है सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा इनकम का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम क्या होता है ये आपको बताना है। भारत कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र आपको बताने हैं, ठीक है। अब इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों की, यह हमारा है सेक्शन बी, इसमें से आपको दो क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 7.5 नंबर का, यानी 7.5 का होगा, मल्टीप्लाई 2 बराबर हो जाएंगे 14, 14 नंबर हो जाएंगे, दो करने हैं आपके लिए हैं और भाई 3 बच गए हैं वीडियो आपका अपलोड करने के लिए, और स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो प्लीज़ आगे आपका वीडियो हम बहुत जल्द समय पर ही दे देंगे। और इस प्रकार से अब हम देख लेते हैं हमारे लघु उत्तरी प्रश्न, जीव मंडल क्या है इसको समझाइए, ये आपको एक पेज में करना है, यानी आधे पेज में लिखना है। दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार में अंतर आपने पढ़े होंगे। चक्रवात क्या है, चक्रवात किसे कहते हैं ये बताएंगे आप। तापक्रम से आप क्या समझते हैं, जलीय समीर तथा स्त्री समीर, यानी कि जलीय समीर जो जल की ओर से हवा चलती है उसे जलीय समीर कहलाती है, और स्थलीय समीर वो होती है जो कि धातल से आती है, ठीक है। ग्लेशियर से आप क्या समझते हैं, ग्लेशियर आप जानते ही हो, जिससे पहाड़ होता है बर्फ का उसे ग्लेशियर कहते हैं। दर्रा किसे कहते हैं, दर्रा जैसे कि दर्रा जो होता है ये पहाड़ों के बीच से निकलने वाले रास्ते को दर्रा कहते हैं, जैसे कि मतलब अब जो जिला दर्रा है, ठीक है, तो जो जिला दर्रा कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है ये आपको बताना है। भ्रंश जो है, भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है ये आपको बताना है। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। रूपांतर सेल कैसे निर्मित होता है, रूपांतर सेल का निर्माण कैसे होता है ये बताना है आपके लिए। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कौन सी परत पाई जाती है ये बताना है। भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी भौतिक भूगोल क्या है ये आपको लिखना है, इसके बारे में आधा पेज के आंसर, आधा पेज आंसर देना है। फिर आपका दिया गया है भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए, कौन कौन सी शाखाएं हैं इसमें ये बताना है आपके लिए, ठीक है। आगे आपके क्वेश्चन कुछ आएंगे चित्रों संबंधित, ठीक है, जैसे सौर मंडल की सचित्र व्याख्या कीजिए, इसमें आपका भूकंप का चित्र पूछ सकता है, ज्वालामुखी पूछ सकता है, बलित पर्वत पूछ सकता है, जो हमारा माउंटेन पर्वत है माउंट एवरेस्ट नहीं, ये सकते हैं हिमालय है, हिमालय जो माउंटेन है ये मतलब हमारा बड़ित पर्वत का ही निर्माण है।
आंतरिक संरचना की व्याख्या कीजिए। आंतर संरचना का चित्र आप इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे आपने देखा होगा इस तरीके से, तो ये लेयर बनी हुई हैं, इस तरीके से लेयर बनी हुई होती हैं, तो ऐसे ही आप चित्र बना देंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हैं दीर्घोत्तरी। दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके 15 नंबर का होगा और ये आपको करने पड़ेंगे 3। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे आपको, 3 का हो जाएगा यानी कि 15 3 45 45 नंबर का होगा ये क्वेश्चन आपके, और 15 नंबर के आपके हो गए अधर्घोत्तरी, और 15 नंबर के आपके 15 नंबर के हो गए आपके, सॉरी हाँ 15 नंबर के आपके हो गए लघोत्तरी, दो क्वेश्चन। अब ये हम देख लेते हैं इसको क्या है, जयमंडल क्या है, इसके प्रमुख घटकों की चर्चा कीजिए। प्रवालवृत्ति किसे कहते हैं, मैंने बता दी प्रवालवृत्ति अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्रोत है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवालवृत्ति पाई जाती है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, देखा कीजिए ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, जल के स्तर को उठने के लिए हम ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने के लिए कहते हैं हम ज्वार, मतलब भाटा कहते हैं उसे। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, इनकी जो सर्दियाँ होती हैं उसमें चक्रवात आता है, कहाँ से आता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और कहाँ होती है ये बताना है आपको, क्योंकि चर्चा करनी है विस्तारपूर्वक पॉइंट वगैरह के। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। वायुमंडल के कारक जो हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और थर्ड सेमेस्टर का भी ज्योग्राफी अभी अपलोड हो जाएगा, पहले इसको कर देते हैं क्योंकि आपका पेपर सुबह में है। वायुमंडल के संगठन एवं संरचना का वर्णन कीजिए। वायुमंडल के गर्म होने का जो कारण है वो स्पष्ट करिए, यानी वायुमंडल का गर्म कैसे कारण, जो वायुमंडल है वो गर्म कैसे होता है, क्या कारण रहता है इसका, जैसे सूर्य का पास आना, पृथ्वी का सूर्य के पास जब पहुंचना, या पृथ्वी का सूर्य से दूर जाना। सहारा मरुस्थल वर्ष भर गर्म रहता है, क्यों, क्या कारण है इसका, ठीक है ये बताना आपके लिए। एक बार बता दूँ आपके लिए, जो भी देश या द्वीप महाद्वीप या देश विषुवत रेखा पर पाया जाता है या विषुवत रेखा के आसपास होता है क्षेत्र, तो वो हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है, यानी कह सकते हैं सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहाँ का वो जो है हमेशा मतलब एक जैसा तापमान रहता है, वहाँ का भी इस समय जो है प्रेशर जो है वो कम नहीं होता, तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। फिर आपका आता है डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा क्या होता है, यानी नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो उसके मिलने की जगह जो बनती है उसको हम डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में है, भारत में है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल के तट पर है, जहाँ पर हमारी गंगा नदी समुद्र में मिलती है। डेविस की अपर्दन चक्र संकल्पना की व्याख्या कीजिए। जो डेविस हमारे ज्योग्राफी के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनके बारे में बताना, ठीक है, उनका ये सिद्धांत है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है चट्टाने किसे कहते हैं, ये भी दीर्घोत्तरी है। बस आपके क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चट्टान क्या है, इसके प्रकार की व्याख्या कीजिए, इन कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कोवर के भूसंधि सिद्धांत, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना। ज्वालामुखी क्या है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, इसके प्रकार भी बताइए, वेरी मोस्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में अब व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना अच्छे से। फिर आता है आपका प्लेट वितरण की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली प्लेट वितरण की क्या है। फिर है वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, इसमें एक काम याद रखिएगा, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखेंगे या फिर लिखेंगे लघुत्तरी क्वेश्चन के लिए, तो उसमें कम से कम एक या दो राइटर की परिभाषा लिख देंगे, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलने के 100% चांस रहेंगे, क्योंकि जब राइटर की आप परिभाषा लिख देंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि आप मतलब आपकी पढ़ाई जो है तैयारी अच्छी है। तो आप प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम दो राइटर की परिभाषा जरूर लिखें, जिससे आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर लें, क्योंकि किसी का बताया हुआ नहीं है, ये मेरा खुद का अजमाया हुआ फार्मूला है, क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो उस समय मेरे सर ने मुझे बताया था कि इस तरीके से आप करोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, और इसी रिजल्ट था कि 200 में से मेरे 185 नंबर आए थे, ठीक है, 185 से प्लस में आए हैं। तो इसलिए आप भी ये काम करें और अधिक से अधिक कम से कम दो या तीन लेखकों की परिभाषा जरूर लिखें लॉन्ग क्वेश्चन में विशेषकर, और लघुत्तरी में भी कम से कम एक परिभाषा लिखें।
तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जीन्स एवं जेफ्रे की परिकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट हमारा है भौतिक भूगोल किसे कहते हैं और इसका विषय क्षेत्र बताइए। वेरी इमोशनल क्वेश्चन है ये लास्ट वाले, इन सबको पढ़ लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। जैसे भी क्वेश्चन आए कमेंट में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।